क्या हुआ गाइस, इतने सैड सैड से क्यों हो और तुम्हारा क्यों मुंह उतरा हुआ है इतना? यार बस एक बार एग्जाम क्लियर हो जाए, आईआईटी होने के बाद तो लाइफ सेट हो जाएगी। माना कि ये दुनिया का सबसे टफ एग्जाम है, पर कोई बात नहीं, हो जाएगा। सही कह रहे हो। अरे पियो, इतनी टेंशन लेने की जरूरत ही क्या है? हमारे पेरेंट्स के पास पैसा है, होटल्स है, इतना पैसा लेके जाएंगे कहाँ? हमारे ही तो काम आएगा, बिजनेस अपना सेटल हो जाएगा। यार आज कुछ करने के लिए नहीं है, बोर भी हो रहे हैं। कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करे? सोचते हैं। एक्सक्यूज मी गाइस, यहाँ आसपास कोई कैफे या रेस्टोरेंट है क्या? कैफे? तुझे जाना है क्या? हाँ, क्यों, क्या हुआ? मैं जा नहीं सकती क्या? तुझे देख के तो लगता है कि तुझे किचन से बाहर नहीं आना चाहिए। कैफे और रेस्टोरेंट जाके क्या करेगी? झाड़ू पोछा लगाएगी क्या? ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं आपसे इतनी तमीज से पूछ रही हूँ और आप मेरा मजाक उड़ा रहे हो? ओहो, देवर तो देखो मैडम के कपड़े, तो देखो मैडम जी के, बिल्कुल गाँव की गवार लग रही हो। सीधा गाँव से उठकर ही आ गई हो क्या? ट्रेन से आई हो या पैदल चल के आई हो? लगता है आप लोगों में बात करने की तमीज ही नहीं है। पढ़े लिखे हो भी या नहीं, यही संस्कार दिए क्या आपके घर वालों ने? ओ हेलो मैडम, अपनी औकात में रख के बात कर। तुझे पता है हम इंडिया के सबसे टफ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी। कभी नाम भी सुना है क्या? अरे छोड़ ना पीहू, किसके मुंह लग रही है, देखने से घर की मैड लग रही है। इसको घर से टाइम मिलेगा तब ना, इसको तो आईआईटी का नाम भी नहीं पता होगा। आई बड़ी कॉफी पीने जा रही है। अबे ऐसे कपड़े पहनते ही क्यों? अरे उतारो इन्हें, चेंज करो, हम जैसे कूल बनो और लाइफ में आगे बढ़ो। रुक, इसे तो मैं बताती हूँ। बदतमीज, तूने मुझे थप्पड़ मारा, जाहिल गवार औरत। चलिए मैम, गाड़ी ठीक हो गई। मैडम, तुम इसको मैडम क्यों बोल रहे हो? आप इन्हें नहीं जानती, ये मिस रूबी है, एशिया की नंबर वन ऑनलाइन कंपनी आरपी फैशन क्लोथ्स की ऑनर। और यही नहीं, मैम ने आईआईटी के दिनों में ही अपना ऐप बना के तैयार कर लिया था। क्या, ये उसकी ऑनर है? जी मैम, आपने आईआईटी की हुई है? क्यों, शौक होगी क्या? तुम्हें लगा होगा ऐसे साड़ी पहनने वाली आईआईटी कैसे कर सकती है? आपको पता है मैम की आईआईटी में ऑल इंडिया रैंक 1 आई थी और मैम अपने कॉलेज की गोल्ड मेडलिस्ट भी थी। सॉरी मैम, वो आपको मैंने कपड़ों से जज कर लिया, मुझे माफ कर दीजिए। पता नहीं क्या हो गया आजकल ये युवा पीढ़ी को, अपना कल्चर भूलते जा रहे हो और विदेशी कल्चर अपनाते जा रहे हो। तुम्हें अपना कल्चर गवारों वाला लगने लग गया है? जिस देश की सबसे टफ एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसी देश की संस्कृति तुम्हें गवारों वाली लग रही है? पता नहीं क्या जादू कर दिया विदेशी कल्चर ने तुम लोगों पर। मैंने एशिया में रहकर पढ़ाई करी है, वहाँ पली बड़ी हूँ, लेकिन फिर भी अपने कल्चर को नहीं भूली। वहाँ के विदेशी लोग आकर इंडिया के कल्चर को अपनाते हैं और तुम लोग इंडिया में रहकर विदेशी कल्चर अपनाते हो, इसीलिए अपना देश आगे नहीं बढ़ पा रहा। सॉरी मैम, मैंने आपको इतना भला बुरा कहा, हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, जिस देश में रहते हो उसी की संस्कृति को अपनाने से शर्माते हो। मैं बाहर से रहकर भी अपने इंडिया के कल्चर को अपनाती हूँ, आई होप तुम लोगों को समझ आ गया हो। जिसकी पढ़ाई कर रहे हो उसी की संस्कृति से भाग रहे हो। चलो मैनेजर। आइए मैम। पता नहीं आजकल के यंग लोगों को क्या हो गया है, एक दूसरे को हुलिये से देख के जज करते हैं। जिसका जो मन है वो पहनो, साड़ी सूट सलवार, सबकी खुद की प्रायोरिटी होनी चाहिए। आप किसी को देख के जज ना करें, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। और वीडियो को शेयर करें, हम बहुत अच्छी अच्छी वीडियो और लाते रहेंगे। आप जो भी आइडिया जो हमारे साथ शेयर कर सकते हो, हम गारंटेड है आपके आइडियाज पे काम करेंगे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे। लव यू ऑल और ऐसे अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें।